कथावाचक जय किशोरी ने 2 लाख रुपए दे लग्जरी बैग बारे स्पष्टीकरण दिता। उसने कहा कि वह कदे नहीं कहती कि वह संत है, साधु है या साध्वी है। वह खुशी खुशी अपने परिवार के नाल रह रही है। बैग कॉन्ट्रोवर्सी ते कथावाचक जय किशोरी दे वलों ये सफाई दी गई। उसने कहा कि यह बैग चमड़े का नहीं, यह एक कस्टमाइज्ड बैग है जो उसने खुद तैयार करवाया, अपनी इच्छा दे नाल तैयार करवाया। इस बैग ते मेरा नाम भी लिखा होया। मैं कदे चमड़े की वरतों नहीं की, ना ही करांगी। ये दावा जिहड़ा जय किशोरी दे वलों किया गया। नाल ही उन्होंने जिक्र किया कि मैं ये कदे नहीं कहा कि सब कुछ मोह माया है, ना कदे कहांगी। मैं ये कदे नहीं कहा कि पैसा ना कमाओ, सब कुछ त्याग दो। मैं किसी संत साधु जा साध्वी परिवार चो नहीं हाँ। एयरपोर्ट ते 2 लाख रुपए दे बैग दे नाल वीडियो वायरल हुई सी। लग्जरी ब्रांड डायर दा बैग सी। सोशल मीडिया ते गां दी चमड़ी नाल बैग बनिया होण दा दावा जिहड़ा कीता जा रहा सी। तुहानू दस दिए कि जय किशोरी दा एयरपोर्ट लोको सोशल मीडिया ते चर्चा दा विशा बनिया, जिस दे विच ओ लग्जरी डायर ब्रांड दा बैग लैके जा रही है जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। सोशल मीडिया ते टिप्पणियां करन वाले लोकां ने यह कहा कि यह बैग गां दी खल तो तैयार किया होया है। तो हुण इस कॉन्ट्रोवर्सी ते जय किशोरी दे वलों सफाई दित्ती गई। उसने कहा कि यह बैग नूं मैं खुद तैयार करवाया, मेरा नाम भी इस बैग ते लिखा होया। मैं साधु संत साध्वी नहीं हाँ, मैं अपने परिवार दे नाल आम लोकां दी तरह रह रही हाँ। दस दिए कि मशहूर अध्यात्मक कहानीकार कथावाचक ने जय किशोरी जिन्हां दे वलों अपनी इस कॉन्ट्रोवर्सी ते सफाई दित्ती गई। बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, वो एक कस्टमाइज बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो पहली ये चीज। दूसरी, आप ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा, तो हम आपको कैसे बोले। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल लड़की हूं, नॉर्मल घर में रहती हूं, परिवार के साथ रहती हूं, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूं। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और ये मैंने हमेशा से क्लियर रखा है, मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूं, या मैंने वैराग्य ले लिया है, या किसी को लेना चाहिए। यहां तक कि मैं यूथ से कहती हूं कि आप मेहनत करिए, कमाइए, अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, अपने सपने पूरे करिए। तो जिन्होंने सुना होगा उनको पता है कि मैंने ये बात बोली नहीं, तो शायद मेरा जीवन कोई शौक नहीं है,